हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पुराने टी शर्ट का कलर अगर ख़राब हो जाए तो उसको फिर से न्यू कलर में कैसे करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले टी शर्ट को पानी में गीला करेंगे अच्छी तरह से। किसी चीज़ पे रखेंगे पानी गलने के लिए। गैस ऑन करेंगे, पतीला रखेंगे, 3 लीटर पानी इसमें डालेंगे। लकड़ी का डंडा लेंगे, 50 ग्राम नमक इसमें डालेंगे और पानी को 10 मिनट उबालेंगे। दस मिनट हो चुका है। कदम पक्का रंग इसमें डालेंगे जो कि मैंने लिया है। अगर आपको लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। एक टी शर्ट में एक पॉकेट कलर डालेंगे। कलर को 10 मिनट उबालेंगे। दस मिनट हो चुका है। हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे ताकि हाथ पे कलर ना लगे। टी शर्ट का पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। टी शर्ट को कलर में डालेंगे। गैस ऑन रखेंगे और 30 मिनट इसी में टी शर्ट को रखेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पर आएगा। 5-5 मिनट पे ऊपर नीचे करेंगे टी शर्ट को ताकि कलर एक बराबर इस पर आएगा। टी शर्ट को कलर में इसी तरह से ऊपर नीचे करेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पर आएगा। डाइफिक्स इसमें डालेंगे जो कि मेरे पास पहले से बचा था, वही यूज करेंगे। अगर आपको लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। डाइफिक्स यूज करने से यही फायदा होता है कि कपड़ा का कलर फिक्स हो जाएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टी शर्ट को ऊपर नीचे करेंगे फिर से। डेनिम जैकेट कलर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। जींस कलर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। टी शर्ट को ऊपर नीचे करेंगे फिर से ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टी शर्ट को कलर में इसी तरह से दबेंगे ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। शर्ट कलर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं।
30 मिनट हो चुका है, गैस ऑफ करेंगे। टी शर्ट को बाहर निकालेंगे, कलर करने के लिए कुछ देर रखेंगे इसी तरह से। कलर कर चुका है, डाई फिक्स वाला पानी में डालेंगे और उसमें 10 मिनट रहने देंगे ताकि कलर फिक्स हो जाए बढ़िया से। दस मिनट हो चुका है, टी शर्ट को बाहर निकालेंगे, पानी गड़ने के लिए कुछ देर रखेंगे इसी तरह से। सूखने के लिए रस्सी पर डालेंगे, सूखने के बाद देखिएगा कितना काला टी शर्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा।